Subscribe to our channel and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा मिलवाती हूँ आपको डेरा में आने वाले लोगों से. हेलो मैम, क्या नाम है आपका? कुलदीप कौर. कहाँ से आई? हम उनसे आए हैं, जिला संगरूर. मैडम, इतना कुछ हो गया फिर भी आप बाबा जी के दरबार में क्यों आ रही है और इतनी भारी संख्या में जो लोग आ रहे हैं, आप बताएंगे क्यों आ रहे हैं? इनकी श्रद्धा है उन पर, बहुत विश्वास करते हैं. हम भी उन पर बहुत विश्वास कर रहे हैं और हमारा परिवार जितने भी रिश्तेदार हैं सब उन पर बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है. जो उसने हमें आज तक रास्ता दिखाया ना, वो सच का रास्ता, वो बिल्कुल सही है. आज तक जो इन्होंने किया सबकी भलाई के लिए ही किया है, कुछ गलत नहीं किया. हमारी जितनी भी फैमिली है, रिश्तेदार हैं, सब इनसे खुश हैं. जो कुछ किया इन्होंने हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही किया. मैडम, जिस तरह चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कई ये सब चुनावों के लिए वोटों के लिए तो नहीं आ रहे? नहीं नहीं नहीं, ये जो संगत है हमारी, उनकी श्रद्धा है उन पर, वो इसलिए आते हैं, ये कोई चुनाव के नहीं लेने आती. तो मैडम, इतना कुछ हो गया, क्या ये अनभक्ति नहीं फिर भी लोग आ रहे हैं? मतलब आपके साथ, आप लोगों के साथ भी इतना कुछ हुआ फिर भी आप लोग आ रहे हो? हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हमें विश्वास है उन पर. जो हुआ हमारे लिए अच्छा हुआ, वो हमारे गुरुजी ने जो किया हमारे लिए अच्छा. ये पता नहीं कौन से कर्म होंगे जो हमारे उनने काटे हैं, ये छोटी छोटी जो हुई है, हालात जो हुए हैं उनमें ही हमारी ये बड़े बड़े कर्म, जो हम पे बहुत बड़ी बीमारियां आनी थी वो कटी हैं हमारी, जो हमारे बच्चों पे संकट आने थे वो कटे हैं. खुद मेरे पति के साथ इतने संकट आए हुए हैं जो इन्होंने काटे हैं, मुझे खुद पता है. मैं खुद पिताजी के सामने नहीं बोलती, क्योंकि मुझे उनके सामने बोला नहीं जाता, क्योंकि जो किया उन्होंने हमारे लिए वो हमें पता है कि क्या किया उन्होंने. हमें वो दिया जो हमें कोई नहीं दे सकता था. क्या आपको अब भी विश्वास है? आपके बहुत ज़्यादा विश्वास है हमें, हमारे बच्चे बच्चे को विश्वास है. छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, 4-5 साल के, वो भी उन पर इतना विश्वास करते हैं ना, इतना विश्वास करते हैं कि उनके विश्वास को कोई नहीं तोड़ सकता. क्या अब भी बाबा राम रेम जी की ज़रूरत है समाज को? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो पहले कहते थे कि शैतान, पहले जो हुए हैं युद्ध, महायुद्ध हुए हैं उनमें शैतानों को मारा गया था, ये उनको मारते नहीं हैं, उनको सुधारते हैं. इन्होंने शैतानों को ना इंसान बना है, इंसान. हेलो मैम, क्या नाम है आपका? पूजा. कहाँ से आएंगे? अबोर से. आप क्यों आई हैं? हम डेरा में अपने गुरुजी के वचन सुनने के लिए आए हैं. क्या आप बताएंगी यहाँ पर किस तरह के कार्य होते हैं? यहाँ पर सिर्फ मानवता भलाई के कार्य होते हैं, और लोगों की तो थिंक है, वो जैसा सोचेंगे उनकी वैसी थिंक है. हम तो अपने पिताजी के वचन सुनने के लिए आते हैं और पिताजी के वचन सुन के ही जाते हैं. क्या आपको अब भी विश्वास है बाबा जी पर? जी हाँ, हमें पूरा अपना गुरुजी पर दृढ़ विश्वास है. मैडम, इतना कुछ हो गया फिर भी? जी हाँ, लोगों की थिंक है, वो जैसा चाहेंगे वैसे बोलेंगे, क्योंकि हम तो अपने पिताजी के वचन सुनने के लिए आते हैं और पिताजी के वचन सुनने जाएंगे. जैसा कि कल हम आ रहे थे तो मुझे कल बोला कि आप सत्संग में क्यों जा रहे हो, तो मैंने बोला हमारा तो सरसा में ही सब कुछ है, इसलिए हम जा रहे हैं सरसा. तो मैडम, एक और बात कि यहाँ पर हमने सुना था कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आप खुद एक महिला हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी नहीं, जैसे हम जितना हम अपने मोहल्ले में, हम अपने शहर में सुरक्षित नहीं होते, जितना हम यहाँ पर इतना सुरक्षित होते हैं. लोगों तो भलाई के कार्य नहीं देखते लोगों को, जो गुरुजी ने किए हैं, बस लोगों को ऐसा बोलना ही आता है. जो ये मीडिया अफवाहें फैला रही हैं गुरुजी के बारे में, इतना कुछ बोल रही है, मैं तो इतना चाहूँगी जो गुरुजी के बारे में इतना कुछ बोल रही है तो सिर्फ वो दिखाए ना, जो पिताजी ने भलाई के भी कार्य किए हैं, वो क्यों नहीं दिखा रहे मीडिया फिर? तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले आप सच्चाई को देखो फिर बोलो. अगर आपके पास जो मतलब आप सही नहीं बोल सकते तो किसी को गलत भी मत बोलो. जिन लोगों, जो लोग बाबा जी को नहीं जानते, मीडिया के थ्रू उन्होंने जाना है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सत्संग में आओ, वचन सुनो फिर देखो. धन्यवाद.